25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। 1975 में इसी दिन देश में लागू हुआ था आपातकाल। पीएम मोदी बोले, ये दिन याद दिलाएगा कि जब संविधान रोंदा गया था तब क्या हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहले विधान परिषद चुनाव का सेमीफाइनल, 11 सीटों के लिए वोटिंग खत्म। थोड़ी देर में वोटों की गिनती के बाद आएंगे नतीजे। स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी, लोगों से स्मृति पर अमर्यादित टिप्पणी न करने की अपील। बोले, जीवन में हार और जीत होती रहती है, किसी का अपमान करना कमजोरी की निशानी। कास्ट पॉलिटिक्स पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान वायरल। गोवा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकरला। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अब भी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा गया मामला, सीबीआई केस में 25 जुलाई तक बड़ी हिरासत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। आप बोली, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल दोष मुक्त नहीं हुए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सार्वजनिक हुई उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट, 4 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित। धामी बोले, जनता ने हमें इसी काम के लिए चुना था। अक्टूबर तक राज्य में यूसीसी कानून को लागू करने की तैयारी। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों की जांच के लिए सेंट्रल पैनल का गठन। 2 हफ्ते में सरकार को मिलेगी रिपोर्ट। ट्रेनी आईएएस बोली, कमेटी के सामने रखूंगी अपना पक्ष। शंभू बोर्डो को लेकर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा, हाईवे पर ट्रैफिक कैसे रोक सकती है सरकार। हफ्ते भर में बॉर्डर खोलने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी हरियाणा सरकार। शुरू होने वाले हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में। मेहमानों के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचा पूरा अंबानी परिवार। रात 8 बजे वरमाला, देश विदेश से सैकड़ों वीवीआईपी गेस्ट पहुंचे।